In our last lecture, we prepared a sheet in Excel like this. Just wait, I'm zooming it. So that you can see it very much clear. Okay. We studied in our last lecture that a simple function, how we can use a simple function. A function has two parts. I already told you that first part is argument and the another part is स्ट्रक्चर. आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट के जो भी एक फंक्शन के अंदर कोई भी चीज जो हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल के यूज करते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, राइट? वो कोई ऑपरेटर भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह उनके साइन जो होते हैं वो सब भी हो सकते हैं. लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है, यस नो ट्रू फॉल्स, ये सब. इफ कंडीशंस वगैरह भी हो सकती हैं, यानी जो ब्रैकेट में आपने डाल दिया दैट इज आर्ग्यूमेंट्स, राइट? और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल पूरे जैसे हम जो फंक्शन लिखते हैं उसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर. अब मैं दोनों चीजों का एग्जाम्पल आपके सामने शो कर रहा हूं आपको. जैसे मैंने एक वैल्यू ले ली है, जैसे मैंने लिखा सम, ब्रैकेट मैंने शुरू की और मैंने इसमें डाल दिया कि डी थ्री से लेकर डी थ्री टू, ये जो कॉलन साइन होता है इट मीन्स टू कि कहां तक, और मैंने डाल दिया इसमें डी थ्री से लेकर और जी थ्री तक, जी थ्री, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया. अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मैंने लिखी है डी थ्री टू जी थ्री, दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट, राइट? और ये पूरा फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में हमने आर्ग्यूमेंट डाल दिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है? ढांचा. यानी कि किसी चीज की फॉर्मेशन, किसी चीज को कैसे बनाया जाएगा, उसके जो आउटलुक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. हम जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना? बीच की जो मॉडिफिकेशन है वो बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक जस्ट लाइक अ मैप, ठीक है? तो और उसके बेस पे हम एक ढांचा तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. सेम ऐसे इसके अंदर भी, जब भी हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरा फंक्शन जब हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर. लेकिन उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन नेम के अलावा, ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट को हमने बोला था पैरेंथेसिस, तो उन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू हम डालते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. अब इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, और कौन कौन से फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. मैंने आपको उस दिन कराया था एक फंक्शन, मैंने आपको कराया था एवरेज. जब मैंने आपसे पूछा था कि एवरेज क्या है, तो मेरे ख्याल से एक दो स्टूडेंट्स ने राइट आंसर उस दिन दे दिया था मुझे, ठीक है? तो आज हम उससे आगे चलते हैं. आई थिंक पावनी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था उस दिन, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं इसको लेके. कुछ और फंक्शंस मैं आपके सामने शेयर करूंगा. सम हमारा हो गया, एवरेज हमारा हो गया. इसके बाद हम करते हैं काउंट. देखो बेटा, काउंट हमने करना है. काउंट फंक्शन क्या करता है? जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू इज कंपल्शन सी ओ यू एन टी काउंट देन ब्रैकेट शुरू, और मान लीजिए मैंने ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल दिया, रेंज सिलेक्ट कर दी, एंटर कर दिया. अभी आपको बताएगा, ये आपको बताएगा कि कितनी वैल्यूज हमने सिलेक्ट की हैं. ये देखो, यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर नीचे स्टेटस बार पे भी ये शो हो रहा है कि इसकी काउंटिंग कितनी है, ठीक है? ये देखो, लिखा हुआ काउंट 10. लेकिन यही चीज अगर आप स्टेटस बार पे नहीं देखना चाहते तो इस तरह से आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है. जैसे अब की बार मैंने किया काउंट सी ओ यू एन टी काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और अब की बार मैं सारी वैल्यूज को उठा लेता हूं टोटल,
अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं, तो इसने बता दिया कि वी सिलेक्टेड 40 वैल्यूज, राइट। तो जिस तरह काउंट हो गया, इसी तरह काउंट के अलावा एक हमारे पास है मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर हम जानना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या रही, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एम ए एक्स, शॉर्ट फॉर्म वी हैव टू यूज, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हुआ और इसको उठा के यहां डाल दिया, उसके बाद ये क्लोज किया और मैंने एंटर कर दिया। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट 98 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड सेम वे यू कैन कैलकुलेट अनदर वैल्यूज। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है मैक्स, इसके अंदर मैं सारा मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा, और सेम एक बार निकालने के बाद वी ऑल नो दैट वी कैन ड्रैग द फॉर्मूला, राइट, लाइक दिस। हर एक चीज के अंदर हमने इसको यूज किया। ये देखो 98 98 98 98, मान लीजिए मैं इसमें चेंज कर देता हूं, मैं 99 कर देता हूं, तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा लुक नाउ, ओके। तो और टोटल के अंदर मैक्सिमम इज 275 एंड इन परसेंटेज वी हैव 91.7% मैक्सिमम वैल्यू, राइट बेटा। सेम ऐसे ही हम इसमें मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला विल बी सेम, जस्ट वी हैव टू एंटर मिन वर्ड ऑन द प्लेस ऑफ मैक्स। तो यहां से मैंने लिखा इज इक्वल टू एम आई एन शॉर्ट फॉर्म और रेन सिलेक्ट कर दी और ब्रैकेट क्लोज। सेम पैटर्न वी विल फॉलो, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन क्लियरली से दैट इन द सीरीज ऑफ इंग्लिश और इन इंग्लिश सब्जेक्ट 65 मार्क्स इज लीस्ट मार्क्स यू कैन से, यानी मिनिमम नंबर, और इसको भी सेम ऐसे ड्रैग आप कर सकते हैं आगे तक। इसी तरह और भी कुछ एक दो फंक्शंस हैं, जैसे टुडे इज इक्वल टू टुडे, और टुडे के अंदर कोई रेंज आपने नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना है सबने। टुडे में सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है, यानी वी नीड ओनली स्ट्रक्चर, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, देयर इज इन टुडेज फंक्शन देयर वी नीड ओनली स्ट्रक्चर, नोट एनी आर्ग्यूमेंट, ओके। व्हेन यू प्रेस एंटर की, इट विल रिप्रेजेंट द डेट ऑफ टुडे, डेट, ओके। तो इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एक दो एक फंक्शंस हैं, वो थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो कंडीशनल फंक्शंस हैं, जैसे इफ। क्योंकि अगर हमने एक्सेल के अंदर, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज टू नो दैट वी कैन मेक प्रोग्रामिंग इन एक्सेल एज वेल, देर इज नो नीड टू यूज एनी स्पेशल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। Excel also provide the facility to programmed our work. कि आप अगर कोई condition डालना चाहते हो तो वो उसके according आप if statement use कर सकते हैं। इसके बारे में एक दिन special मैं class लूंगा आपकी जब ये lesson over हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम चले गए तो it will consume a lot of time, right? तो ये हमारा यहाँ पर मैंने इस function को यहाँ पर मैंने close किया है, और भी बहुत सारे हैं, यू कैन सर्च आउट ऑन यूट्यूब और अदर ऑनलाइन साइट्स, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू, ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट टू मेन फीचर्स ऑफ एक्सेल, एंड इट इज वेरी मच यूजफुल फीचर्स फॉर एवरी वन हु वॉन्ट टू यूज एक्सेल। फर्स्ट फीचर इज सॉर्टिंग एंड अनदर फीचर इज फिल्टरिंग, राइट। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आई होप यू नो, एनीबडी कैन टेल मी दैट व्हाट इज सॉर्टिंग। एनीवन, ओके, हैव यू लिसन्ड किसी सीक्वेंस में? यस बेटा, यस सर, किसी सीक्वेंस में अरेंज करना उसे। हाँ, किसी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हेन वी अरेंज आवर सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, राइट। तो सॉर्टिंग के अंदर वी हैव टू ऑप्शंस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग।
क्लियर। तो अभी हमें डाटा हमने बना लिया है एंड वी वॉन्ट टू, मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइनलाइज करते हैं आपका कि कौन फर्स्ट आया कौन कौन सेकंड आया, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे होगी ये देखिए, यहां पर मैं कुछ एक क्लास यहां थोड़ी चेंज करना चाहूंगा ताकि कुछ आगे चेंज हमें करना होगा तो वो आपको इजी हो जाए। इसमें मैंने कुछ रिजल्ट्स मैंने डाल दिए हैं, कुछ रिजल्ट मैंने डाल दिए नाइन्थ के और कुछ रिजल्ट्स मैंने डाल दिए एट्थ के, राइट। दोनों ही सेक्शन के अंदर, दोनों ही क्लासेस के अंदर आई वॉन्ट टू नो दैट हु इज फर्स्ट एंड हु इज सेकेंड। सपोज कोई ऐसा हमने कोई कॉमन सब्जेक्ट कर लिए हैं तो सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम रो नंबर, नॉट फ्रॉम देयर। यहां से नहीं करना है, कोशिश करो कि यहां से करो ऊपर से इसके। सिलेक्ट द डाटा, आफ्टर दैट इन होम टैब एंड इन एडिटिंग ग्रुप, आई एम रिपीटिंग अगेन, इन होम टैब एंड इन एडिटिंग ग्रुप वी हैव ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक ऑन इट एंड चूज कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट, कस्टम मींस अपने अकॉर्डिंग, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मींस अकॉर्डिंग टू अस, राइट। क्लिक किया मैंने, अब दिस विंडो विल कम, ठीक है, दिस डायलॉग बॉक्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड फर्स्ट देयर इज कॉलम। लेट मी यूज मैग्नीफायर सो दैट यू कैन व्यू इट वेरी क्लियर, गिव मी ओनली 2 seconds। यस हियर इट इज, लुक बेटर। अब यहां पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है कॉलम देन सॉर्ट ऑन एंड देन ऑर्डर। समटाइम यू विल फाइंड दिस क्लिक ऑन, ठीक है, ये क्लिक क्या कहती है, माई डाटा हैज हेडर्स, यानी ये हेडर को लेके चले। अगर हेडर को लेके चलेगा तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम बिकॉज इट विल लेफ्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड। सो इफ यू फाइंड दिस टिक इज हेयर देन यू हैव टू अनटिक इट, राइट। इसको हमने अनसिलेक्ट कर देना है अगर ये सिलेक्टेड है तो, ठीक। अब वापस आ जाओ पॉइंट पे। अब इसके अंदर क्या है, कॉलम सॉर्ट बाय, कॉलम सॉर्ट बाय, सॉर्ट ऑन यानी वैल्यूज यानी ऑर्डर। अब स्टार्ट करते हैं। अब बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात देखने की ये है कि अगर हमें परसेंटेज को ऊपर नीचे करना है यानी उसका सीक्वेंस चेंज करना है देन वी हैव टू नो अबाउट द कॉलम, कॉलम नेम या कॉलम हेडिंग। तो दैट इज आई, इस कॉलम का नाम है आई, राइट। तो आप जाओ सॉर्ट बाय एंड चूज कॉलम आई, ठीक है। जैसे आप कॉलम आई पे जाओगे कंप्यूटर अपने आप ऑब्जर्व करता है कि कॉलम आई हैज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकती हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकती है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे अगर आपने कर दिया यहां पे, ये देखो ये नेम के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो नेम कौन सा है, बी। अगर मैं यहां पे बी कर दूंगा तो ध्यान से देखना ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। व्हेन आई चूज बी, लुक नाउ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व दैट इन कॉलम बी देयर इज टेक्सचुअल डाटा और अल्फाबेटिकली डाटा, देन इट कैन बी अरेंज इन ए टू जेड और जेड टू ए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, बट नाउ कम बैक टू द पॉइंट, वी हैव टू सॉर्ट आवर डाटा ऑन आई कॉलम, कॉलम देन आई, एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिजल्ट हु इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड देन वी हैव टू रीअरेंज द डाटा इन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया तो सबसे कम वाला पहले आ जाएगा और सबसे ज्यादा वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। वी हैव टू चूज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड प्रेस ओके बटन। नाउ आई एम अगेन ब्रिंग इट इन नॉर्मल पोजिशन। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बेटा, देखो सीरियल नंबर जो मर्जी है, नेम जो मर्जी है, लेकिन यहां देखो हमने क्या किया, 91% वाला बच्चा फर्स्ट है, फिर ये देखो सारा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। इज इट क्लियर सर? यस सर, बोलो बोलो। सम स्टूडेंट, आई थिंक वन स्टूडेंट इज आस्किंग समथिंग। सर एक बार ऑर्डर बता दो। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, सो प्लीज रिपीट। लुक 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 ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द डाटा, नोट द हेडिंग,
remember this thing. We have to select the data from row number, from there. After selection the data, go at home tab, then editing group, sort and filter, custom sort. अगर आपने ये directly ये कर दिए तो ये column A को ले लेगा. हमने कौन सा करना है? Column I, यानी अपने according करना है हमें. अपने according करने के लिए we have to choose custom sort. Click on it. There is no tick. Very good. Go on column sort by I, largest to smallest, and then click OK. The entire data will change. Is it okay now? Is it okay now, beta? Please let me know. Okay. Now some more command in this sorting. Select the data, sort filter, custom sort. Now you can observe there is add label button. Add label. अब हम क्या चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं. We want that first, second, third तो आए लेकिन class wise आए. Okay. अब हमारे पास ये जो डाटा है, दिस इज मिक्स डाटा इन 8th एंड 9th, बट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास वाइज. देन वी हैव टू एड वन लेवल, लेवल वन. व्हेन यू क्लिक ऑन लेवल वन देन इट विल एड वन मोर रो इन दिस विंडो. नाउ देन बाय, पहले किया सोर्ट बाय, देन बाय, सोर्ट तो कर लिया, देन बाय क्या करना है? अब हम चाह रहे हैं क्लास के अकॉर्डिंग, और क्लास जो है वो कौन से कॉलम में है? सी में. ये देखो सी कॉलम के अंदर क्लास है, तो हम क्या करेंगे, सी कॉलम को सॉर्ट कर देंगे और ये क्या हो जाए हमारा ए टू जेड, हमें चाहिए ए टू जेड हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि एट्थ पहले आ जाए, क्योंकि एट्थ के अंदर रोमन काउंटिंग के अंदर हम वी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वी हमारा जेड की तरफ आएगा. और अगर हमने ऐसे ही कर दिया तो पहले नाइन्थ आएगा फिर एट्थ आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको उल्टा कर दो, Z टू A. नाउ ओके. नाउ यू कैन ऑब्जर्व, लेट मी मिनिमाइज इट. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट इन 8th स्टैंडर्ड we will do it again. Select the data, custom sort. शुरू में हम क्लास वाइज ले लेते हैं Z टू A, फिर हम एड लेवल कर लेते हैं, इसमें हम I ले लेते हैं, जैसे कॉलम है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं. जैसे पहले B कॉलम है तो फर्स्ट में ये ले लिया और उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने कर दिया. ओके कर दो. नाउ लुक, नाउ द रिजल्ट इज वेरी मच क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक लाइन इंसर्ट कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये हुआ क्या है बेसिकली. ये देखिए, पहले इसने एट्थ वाला रिजल्ट ले लिया सारा, एट्थ में जो फर्स्ट था उसने ऊपर कर दिया, देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी चेक. वेट बेटा, चलो इसने एट्थ कर दिया, यू कैन मेक वन मोर कमांड, डिलीट वन लेवल. नाउ I और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. नाउ ओके, ठीक है, और फिर दोबारा से इसको आपने किया यहां पे, फिर कस्टम सॉर्ट I के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आपने कर दिया. नाउ यू कैन सी, देखो एट्थ के अंदर पहले इसने क्या किया, पहली कमांड ने एट्थ के और नाइन्थ के दोनों डाटा अलग अलग कर दिए. ठीक है, हम इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डाटा अलग अलग हो गए. इसके बाद क्या हुआ कि इसने यहां पर ये चेंज कर दिया. हमने फिर दोबारा से कमांड दी तो जो एट्थ में फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ थे, उनकी लिस्ट आ गई, और जो नाइन्थ में फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड, और इसी तरह से आ गई. तो इस तरह से हम अगर चाहें तो सॉर्टिंग की हेल्प से हम पोजिशन वाइज, परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज,
ठीक है, नंबर वाइज इनको अलग एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं इसका, और इसी तरह से हम लोग आपका रिजल्ट तैयार करते हैं हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? सर जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ये बताया मेथड, ये दोबारा बताना एक बार। कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला? कौन सा बेटा, क्या क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो। जिसकी परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ऐसे सेकंड और थर्ड ऐसे। हाँ तो आ तो गया बेटा, हमने भी सॉर्टिंग कर दी ना, आई के बेस पे हमने सॉर्टिंग कर दी है, आई के बेस पे हमने सॉर्टिंग कर दी, आई के बेस पे सॉर्टिंग की हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखो फिर दोबारा इसकी वैल्यू शो कर देता हूँ। ये देखो हमने ये किया हुआ है, यहाँ पे हमने किया कॉलम चूज किया जिसके पे में परसेंटेज किसमें है, आई में, आई हमने चूज कर लिया, ये वैल्यूज लेनी है हमें, बिल्कुल ठीक है, और ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, ये हमने ओके कर दिया। ये देखो ये सबसे हाईएस्ट था इनमें, ये वी हैव फोर स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड इन दिस रिकॉर्ड, राइट? हु इज फर्स्ट? दिस नेम इज आई। हु इज सेकंड? एच जी जे, इस तरह से। ठीक है, ओके सर। Okay, now I want to find out the data according to Ashwin.